जुलाई आ गई लेकिन मानसून नहीं आया। दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मानसून के वक्त दिल्ली में लू चल रही है क्योंकि 40 डिग्री के पार जब भी टेम्परेचर जाता है, जब भी पारा चढ़ता है तब लू का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली का मौसम सबसे गर्म रहा इस सीजन का। दिल्ली में आज भी पारा 44 डिग्री के पार है। जब मानसून की फुहारें पड़नी चाहिए, जब बारिश होनी चाहिए, उस वक्त दिल्ली धूप से जल रही है। दिल्ली में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और पांच तस्वीरें आप देखिए। गाजियाबाद में 42 डिग्री के पार रहा पारा। पारा दिल्ली में 43 डिग्री के पार। आगरा, गोरखपुर और जयपुर, ये वो पांच बड़े शहर हैं जहां पर मानसून की वजह से ठीक ठाक बारिश अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन मानसून अभी आया नहीं है। लोग गर्मी की वजह से परेशान। दिल्ली में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भी पारा 40 के पार है और लोग बेहाल हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत और खासकर दिल्ली को अभी गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। तपिश इस कदर है कि तापमान 41 डिग्री अभी पहुंच चुका है और 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। गर्म हवाएं चल रही हैं। हीट वेव का कारण जो है वो पाकिस्तान से आने वाली हवाएं हैं क्योंकि अभी हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ से है जो कि दो दिन बाद बदलेगा जब अरेबियन सी से हवाएँ आना शुरू होंगी, तो इस हीट वेव में थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन अभी बिल्कुल राहत मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही दो दिन तक। और तापमान के लिहाज से तापमान 42 से 43 डिग्री बना रहेगा और जब अरेबियन सी से हवाएं आएंगी तब भी तापमान में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी, यानी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि मानसून जो देरी से चल रहा है, दिल्ली अमूमन 28 से 29 जून तक पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही थी, वो अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगले 4-5 दिन भी कोई संभावना नहीं है मानसून दिल्ली पहुंचने की। उत्तर भारत में अभी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, तापमान लगातार बढ़ ही रहा है, परेशानियां लोगों की बढ़ ही रही हैं। ये सुझाव दिए जा रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें क्योंकि आप लू की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि गर्म हवाएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त भी किस तरीके की स्थिति है। लगातार हवा तो चल रही है लेकिन वो इतनी गर्म है कि आपको बीमार कर सकती है और तपिश जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो परेशानी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए सावधान रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ये सुझाव आप डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। इसलिए आपको जरूरत यह है कि मौसम में जो राहत नहीं मिल रही उससे सावधान रहना ज्यादा जरूरी है क्योंकि तपिश, तापमान और ये हीट वेव, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आने वाले दिनों में दिल्ली और उत्तर भारत में बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि मौसम सुहाना हो और लोगों को गर्मी से राहत मिले। लेकिन जुलाई आ गई, दिल्ली में मानसून अभी तक नहीं आया। आखिर मानसून आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने, सुनिए। जुलाई के पहले दिन हम उम्मीद करते हैं कि अमूमन हम मानसून पर बात करेंगे लेकिन हम बात करने के लिए मौसम विभाग पहुंचे हैं किस पर? हीट वेव पर। हीट वेव बहुत बढ़ गई है तो डॉक्टर नरेश इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं हीट वेव के मामले में? आपकी एक्सपर्टीज है, अभी क्या वजह है जो इस तरीके से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी क्या है कि ऑलमोस्ट क्लियर स्काइज हैं, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह रीजन में भी टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके कारण जितनी हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान से आ रही हैं ओवर दिस रीजन, आपका राजस्थान देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट एमपी, उसके कारण क्या है कि इस रीजन में भी टेम्परेचर नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। दैट इज़ वी से इट इज़ अ हीट वेव, ठीक है, और ये कंडीशन आज भी कंटिन्यू रहेगी, कल भी थोड़ा उम्मीद है कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद जब जहाँ से आनी स्टार्ट होंगी अरबियन सी से, दैट इज़ अ साउथ स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड, उसके कारण क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा तो देर विल बी अ वेटमेंट इन हीट वेव कंडीशंस। लेकिन एज सच टेम्परेचर फिर भी 40 डिग्री के पास रहने की उम्मीद है, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, जो डिस्कम्फर्ट अभी हम फील कर रहे हैं इस टाइप का डिस्कम्फर्ट अभी
आने वाले दिनों में भी रहने की उम्मीद है। आज कल में मौसम जो तापमान है वो कितना जाने के, क्योंकि हीट वेव बढ़ेगी और उस तरीके की, क्योंकि आपने कहा आज भी और कल भी। हाँ जी, देखिए यही 42-43 डिग्री के मैक्सिमम टेम्परेचर रहने की उम्मीद है, ऐसे ज़्यादा नहीं है 42 एज सच, क्योंकि ये जुलाई मंथ अभी स्टार्ट हो गया आज से, तो यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल भी कम हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है 42-43 डिग्री के पास ही, मे बी 41-43 इसी रेंज में टेम्परेचर रहेंगे। पूरा जो दिल्ली रीजन है या NCR रीजन है, ये कब तक थोड़ी इसको राहत की अगर हम बात करें? हम बता रहे हैं दो दिन के बाद, थोड़ा वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर शुड बी सम अवेटमेंट फ्रॉम दिस हीट वेव कंडीशंस। मानसून की क्या स्थिति इस वक्त आप देखते हैं? मानसून अभी देखिए, मानसून जो मेनली अभी कन्फाइंड है, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ है, जो मेन कन्फाइंड है जो आपका जो वहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिजाइनिंग ईस्ट इंडिया ही है, वहाँ पर हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेरी हैवी रेनफॉल, इवन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, मीन एक्सट्रीमली 20 सेंटीमीटर बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो ये अभी दो तीन दिन कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगा, लेकिन हैवी रेनफॉल इसमें कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद बाकी हिस्सों में भी स्कैटर्ड फेयरली वाइड स्प्रेड में 50% स्टेशन तक जो आपका साउथ पेनिनसुला इस रीजन में रेनफॉल हो रहा है, तो अभी इस रीजन में इतना ज़्यादा वी हैव नॉट एक्सपेक्टिंग आवर मानसून ओवर योर दिल्ली रीजन आर दिस रीजन नेक्स्ट 4-5 डेज, अभी कोई हमारा इसमें। राजस्थान भी भीषण गर्मी से बेहाल है, जयपुर में कैसे मानसून के वक्त लोग पसीने से भीग रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता लासिंग फौजदार की रिपोर्ट। तेज गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियां, राजस्थान की ये तस्वीर इन दिनों देखने को मिल रही है। आलम यह है, राजस्थान में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। अगर बुधवार की बात करें तो करौली और चूरू जिले में तापमान 44 डिग्री से पार पहुंच गया। जयपुर में 41 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं राजस्थान के 33 जिलों में से 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस दौरान सड़कों पर जैसे जैसे तेज धूप बढ़ती है, सन्नाटा पसर जाता है, लोग छांव की तलाश में, पानी की तलाश में नज़र आते हैं। और इस पर आलम यह है कि मौसम विभाग की माने तो करीब एक सप्ताह तक ऐसे ही हालात राजस्थान में बने रहेंगे, तेज गर्म हवाएं चलेंगी, विशेषकर सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में धूल भरी आंधियां चलेंगी। और इस सब के बीच किसानों की हालत भी ख़राब है, बारिश का इंतजार करते करते जून माह बीत गया, जुलाई शुरू हो गई, मगर गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके चलते एक और जहां गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं गर्मी के कारण सब्जियों भी महंगी हो रही हैं, जिसके कारण आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आलम यह है कि आम आदमी के ऊपर से एक संकट ख़त्म होता नहीं है, दूसरा संकट आ रहा है। कोरोना का संकट ख़त्म हुआ नहीं, उससे पहले भीषण गर्मी ने आम आदमी के जीवन को मुश्किल में डाल रखा है, तो वहीं भीषण गर्मी के चलते सब्जियों के भाव में आग लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है, वजह मानसून करीब एक सप्ताह बाद आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एक सप्ताह भी मरधोरा को ऐसे ही तपती धूप में तपना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। यूपी में भी कई जगहों पर लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। गोरखपुर में दो चार दिन बारिश हुई, लेकिन अब भीषण गर्मी बरस रही है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट को देखिए। गोरखपुर में उमस और गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों को ना तो दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में आराम, क्योंकि दिन में गर्मी की वजह से जो दिक्कतें हैं वो तो लोग झेल ही रहे हैं, रात में जब वो सोने जा रहे हैं तो बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्या की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। गर्मी का ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। हालांकि अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज का जो दिन का तापमान है वो 33 डिग्री बताया जा रहा है, लेकिन जो हीट इंडेक्स है वो 44 डिग्री है, यानी कि जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो 44 डिग्री की महसूस हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लगभग 70% गोरखपुर में है और इसकी वजह से जो उमस है वो लोगों को काफ़ी दिक्कत उसकी वजह से हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ये मान रहा है कि आने वाले
दो दिनों में गोरखपुर और आसपास के जिलों में मानसून का एक असर आ सकता है और दो से तीन दिनों तक बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी अगर कहें तो गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है, घर से लोग निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर के निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पसीना निकल रहा है, जिस तरह से चिपचिपी गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, डिहाइड्रेशन की भी समस्या लगातार लोगों के सामने पेश आ रही है, और यही कारण है कि लोग इस गर्मी से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जो उनके बस में है। लेकिन गर्मी इतनी अधिक है, उमस इतनी अधिक है कि लोगों की सारी कोशिशें फेल साबित हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ डेस्क गोरखपुर।